नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो पीडीएफ लिस्ट है 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग का, उसमें है देवरिया डिस्ट्रिक्ट। सेकंड पीडीएफ लिस्ट है सिद्धार्थनगर की, क्योंकि जिस हिसाब से पीडीएफ पे काम चल रहा है, जो पीडीएफ तैयार हो रहे हैं हमारी टीम के द्वारा, उसे दिया जा रहा है, वही आपको यहाँ पर दे दिया जा रहा है। और तीसरी पीडीएफ लिस्ट है बांदा की। तो ये आज के तीन पीडीएफ लिस्ट हैं। आपको इस पीडीएफ के बारे में बता दें, ये पीडीएफ लिस्ट इसलिए जारी किया जा रहा है ताकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित थे 1,45,000 अंदर के, उन लोगों को जो चयन नहीं हो पाया है, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमारा जो गुणांक है चयनित लिस्ट में उसके बराबर ही है, लेकिन क्यों चयन नहीं हुआ। तो इसी अनियमितताओं की जाँच के लिए ये पीडीएफ लिस्ट गुणांक वाइज जारी किया जा रहा है। तो ये पीडीएफ है बांद्रा के, जिसमें तो इन डाइट पे गुणांक तो नहीं शो किया गया है, लेकिन नाम पूरी तरह शो किया गया है, जैसे 65 रिजल्ट का मोबाइल नंबर से है वहाँ पे नाम है, फिर अभिलेख की जांच है, स्थान है, काउंसलिंग का समय है, विकासखंड का नाम है। तो ये टोटल 45 पेज का है बांद्रा का पीडीएफ, जबकि हरदोई, अम्बेडकर नगर और अयोध्या का और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे गुणांक एक एक पॉइंट तक शो किया गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है। वहीं सिद्धार्थनगर की पीडीएफ लिस्ट में भी वही कहानी है, सिर्फ नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया, लेकिन रोल नंबर दिया गया है, लेकिन गुणांक नहीं बताए गए हैं। यहाँ भी 28 पेज का पीडीएफ है सिद्धार्थनगर का। एक सौ तिरासी पे नरेंद्र कुमार, और कल कोर्ट नंबर 19 सीरियल नंबर 16 पर लोहा सिंह एमआरसी केस की सुनवाई दिनेश कुमार सिंह सर के बैच में होगी। वहीं हरदोई डिस्ट्रिक्ट का देखिए, इसमें बताया गया है कि कौन किस में सिलेक्ट है। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, किस जिले से अभ्यर्थी हैं, कहाँ उनका कहाँ ज्वाइनिंग हुआ, गुणांक कितना है, पूरी तरह से ऐसे पीडीएफ बनाया गया है। लेकिन ये देवरिया ज़िले का है, यहाँ भी ऐसा ही है। तो एमआरसी को लेकर के अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि सही से एमआरसी नियम पालन न करने का आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी, जिस पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी जवाब तलब किया है सरकार से, सवाल और इसके कारण ही रोक लगा दिया था एमआरसी के कारण ही, जिस पर काफ़ी अभ्यर्थी और एससी आयोग भी चले गए थे, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी। सरकार से अभी भी जो सवाल पूछे थे आयोग ने, उसका जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ है। ये 37 पेज की पीडीएफ लिस्ट है देवरिया ज़िले की। आगे आपको जो भी पीडीएफ चाहिए आप बता दीजिएगा, उसका भी अगर मिलेगा तो अपलोड किया जाएगा। गरीब सरवणों को उम्र में छूट देने की तैयारी। सामान्य वर्ग के गरीब अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, केंद्र सरकार नियुक्तियों में उन्हें भी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के जैसे ही छूट देने की तैयारी कर ली है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग DOT को पत्र लिखकर इस बारे में अनुरोध किया है, निर्देश जारी करने का किया आग्रह। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की ओर से केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लिखे गए इस पत्र में कहा गया, अलग अलग लोगों से प्रतिवेदन मिले हैं, इनमें EWS आर्थिक रूप से गरीब श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नियुक्तियों की उम्र सीमा में छूट देने की मांग की गई है। अन्य आरक्षित वर्ग SC ST और OBC को भी छूट दी जाती है, इसलिए सभी संबंध प्राधिकारियों को इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाए, जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए जाए। अंकों के छूट पर भी विचार, अभ्यर्थियों को ऐसे मिलती है छूट। UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 वर्ष है, इस तरह OBC के लिए उम्र सीमा 35, SC ST के लिए अधिकतम 37 वर्ष है। तो 3 साल की छूट अधिकतम उम्र के लोगों को दी जाती है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 साल की छूट दी जाती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में। विश्वविद्यालय में भी आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ये था आज का न्यूज़। न्यूज़ पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।